भारत में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख की पुष्टि कर दी है। चुनाव आयोग ने बताया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव 5 अगस्त को होगा, जिसकी अधिसूचना 4 जुलाई को जारी की जाएगी। चुनाव के लिए नॉमिनेशन करने के लिए चुनाव आयोग ने 18 जुलाई की तारीख दी है और नॉमिनेशन की जाँच आखिरी तारीख 19 जुलाई तय की गई है। चुनाव आयोग की ओर से यह जानकारी प्रेस वार्ता कर दी गई है। और जो कुल संख्या है निर्वाचक मंडल के सदस्यों की वो 790, टोटल नंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज 790। निर्वाचन की अपेक्षा करते हुए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी करने की तिथि 4 जुलाई 2017 मंगलवार, नाम निर्देशन दाखिल करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2017, अभ्यर्थाएं वापस लेने की अंतिम तारीख 21 जुलाई 2017 शुक्रवार, जिस दिन यदि आवश्यक हुआ मतदान कराया जाएगा वह तारीख 5 अगस्त 2017 शनिवार, मतदान का समय सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक, वह तारीख जिस दिन यदि आवश्यक हुआ तो मतगणना की जाएगी 5 अगस्त 2017 शनिवार। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज चंडीगढ़ के यूटी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अपने विधायकों और सांसदों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर प्रकाश सिंह बादल ने रामनाथ कोविंद को एक काबिल उम्मीदवार बताते हुए उनके पक्ष में तमाम पार्टियों को राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन देने की अपील की। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर कड़ा पलटवार किया है। अनिल विज का कहना है कि आजम खान की जुबान बहुत लंबी हो गई है, उनको जुबान बंद करनी चाहिए। अगर सेना का हौसला नहीं बढ़ा सकते तो बकवास भी नहीं करनी चाहिए। आजम खान की जुबान बहुत लंबी हो गई है, इसकी जुबान का इलाज करना चाहिए। अगर सीमा पर खड़ी सेनाओं का हौसला नहीं बढ़ा सकते तो अपनी बकवास बंद करनी चाहिए। उनका हौसला गिराने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। और आजम खान को ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में खुले में सांस आप तभी ले रहे हो क्योंकि यही सेनाएं 24 घंटे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। वहीं कुरुक्षेत्र से भाजपा सांसद राजकुमार सैनी द्वारा मुख्यमंत्री को ट्रेनी कहने पर अनिल विज ने कड़ा प्रहार किया और कहा कि मुख्यमंत्री बहुत काबिल है, जो भी मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलता है उसे अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत काबिल मुख्यमंत्री जी हैं और हर क्षेत्र में वो पूरा काम कर रहे हैं। अब जो भी चाहे वो राजकुमार सैनी हो चाहे कोई भी नेता हो, जो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलता है उसको अपनी जुबान पर लगाम दे। हरियाणा प्रदेश में सभी जिलों की नगर पालिका और नगर निगमों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बताया कि वो अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बार बार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांगे न पूरी होती देख उन्होंने हरियाणा सरकार को संघर्ष तेज करने की चेतावनी दी है। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने जो है काफी अच्छे से जो है 18 सूत्रीय मांग पत्र हरियाणा सरकार को दिया जाए। हरियाणा सरकार के साथ बार बार बातचीत होने के बाद सरकार जो है अपनी पास मांगे तो जायज बता रही है, जायज बताने के बाद फिर अपनी बातों से मुकर रही है। अभी जो है 11/6 को जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की जो है CUTCM के अंदर जो है करनाल के अंदर एक बहुत भारी संख्या के अंदर आक्रोश रैली की और आक्रोश रैली करने के बाद जो है हजारों की तादाद के अंदर कर्मचारी करनाल के अंदर पहुंचे। CID के माध्यम से जब हरियाणा सरकार के पास आवाज गई तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा को जो है 20/6 को जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो निर्देशालय के अलावा सीवरेज के अंदर जोखिम भरा कार्य कर रहे हैं उनको जो है 5,000 रुपया पर मंथ जो है उनको जो है जोखिम भत्ता मिलना चाहिए और दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपये देना चाहिए। ये सरकार जो इस बात पर सहमत हो तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो है इसी मांगों को लेकर जो है सरकार द्वारा नहीं मांगी जा रही तो ये लड़ाई जारी है। यदि सरकार जो है नहीं इन बातों को मानती तो 11 तारीख को हमारे 7 और 8 को जो है नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है जुलूस उल्टे झाड़ू करके जो है प्रदर्शन करेगा और उसके साथ साथ 11 को जो है पूरे हरियाणा के अंदर बसात जुलूस करेगा और उसके बाद सरकार नहीं मानी
तो नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो है पूरे प्रदेश के अंदर 3 दिन की जो है 12, 13 और 14 को जो है हड़ताल करेगा। अमृतसर से जालंधर रोड पर लुटेरों द्वारा ऑटो कंपनी के जीएम इंद्र शर्मा को गोली मारकर करीब 13 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद इंद्र शर्मा काफी समय तक गाड़ी में जख्मी हालत में जूझते रहे, लेकिन अस्पताल ले जाने पर उनकी मौत हो गई। पुलिस की ओर से मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। वहीं इंद्र शर्मा की जख्मी हाल में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਪਾ ਛੱਡਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੋਂ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਆਖਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਾਨਾ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ 2 ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੀਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। यमुनानगर के तीर्थनगर पे बनी क्रिश फूड नाम की आचार फैक्ट्री पर पुलिस रेड होने पर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल रेड के दौरान पता चला है कि यहां तैयार होने वाला अलग अलग तरह के आचार मिलावटी है, जिसे फंगस और कीड़े लगे हुए हैं। वहीं फैक्ट्री द्वारा पानीपत के मशहूर पंचरंगा नाम का लेबल लगाकर इसे मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। फैक्ट्री में चल रहे ऐसे आचार व्यापार का भंडाफोड़ होने के बाद पुलिस ने फैक्ट्री को कब्जे में ले लिया और अगली कार्यवाही शुरू कर दी है। ये हमने ये प्रोसेसिंग बंद कर रखी है काफ़ी टाइम से, तो 2-3 साल से हमने प्रोसेसिंग ही बंद कर रखी है। तो ये तो आम कटा हुआ पड़ा है, ये नमक में पड़ा हुआ, कोई केमिकल नहीं है इसमें, कोई रंग नहीं डालते इसमें, हम सिर्फ तेल में प्रोसेसिंग करते हैं। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता के स्टाफ के साथ यहाँ पर रेड की गई है, जो काफ़ी ही निम्न स्तर, देखने में निम्न स्तर का मटीरियल है और रेत मिट्टी ईंटें उसमें डली हुई हैं, जो ऐसा खाने से किसी भी मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। फिर भी उसकी फाइनल रिपोर्ट के लिए डॉक्टर साहबान, फूड इंस्पेक्टर साहबान की टीम मौका पर बुलाई गई है, तो फाइनल रिपोर्ट देंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसा रजिस्टर नहीं मिला हमें, लेकिन फिर भी उस रजिस्टर के बारे में जाँच पड़ताल करेंगे।